झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के केंद्रीय कमेटी में इन दिनों अध्यक्ष पद को लेकर विवाद चल रहा है। मौजूदा अध्यक्ष राकेश पांडे की जगह कर्ण कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। इस मामले में राकेश पांडे ने आरोप लगाया है कि लगभग 33 लाख रुपए की गड़बड़ी हुई थी। इस मामले को उजागर करने के कारण उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। और इनके द्वारा किए गए गमन के पैसे को असूलने का कई एक पत्र दिया गया मेरे द्वारा। 5 तारीख को मीटिंग में एवं 10 तारीख को मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि सभी रोकड़ बही आप संधारित करके उपस्थापित करें ताकि मुख्यालय को अवगत कराया जा सके। और विकट परिस्थिति यह है कि एक ही संवर्ग के होने के नाते ये सब लड़ाई झगड़ा पे उतर जाते हैं। तंग आकर मुझे पुलिस मुख्यालय को लिखना पड़ा। का विषय है कि आज कई दिन बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा उस उक्त संबंधित पंजी कार्यालय को जमा नहीं किया गया है और इसीलिए ऑडिट का काम भी बाधित हो रही है। आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द से जल्द इस संदर्भ में ऑडिट कराया जाएगा और अगर किसी ने गबन किया है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जो भी संविधान और कानून में निहित है उसके साथ प्रक्रिया अपनाई जाएगी। परंतु बिना जांच किए किसी पदाधिकारी का व्यक्तिगत टारगेट करके चिन्हित करके उसको बदनाम करना उचित नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।